안녕, 인사드립니다. 딩딩입니다. 저희는 풍경 이야기를 읽어드릴게요. 오늘의 이 차례는 이게 있네. 이게 있네. 이거 먼저. 아브라함기 버리 버리샤. 아브라함기 버리 버리샤 라는 이야기를 읽어드릴게요. 알겠죠? 빠르. परमेश्वर ने अब्राहम से एक पुत्र का और पुत्र से बहुत सी संतान का वादा किया जो सारे संसार के लिए आशीष होंगे। पर अब्राहम और उसकी पत्नी सारा बच्चे पैदा करने के लिए बहुत बूढ़े थे। परमेश्वर ने अब्राहम से एक पुरुष का और पुरुष से बहुत सी संतान की का वादा किया जे सारे संसार के लिए आशीष होंगे। पर अब्राहम और उसकी लिए बहुत बुरे थे। हननीमी अब्राहम थे। 별만아 별만큼이나 많은 애들이 있다고 했는데 아브라함은 너무 늙었네요. 왜 진짜로 날 수 있어? 궁금. 하나님이 이렇게 말했잖아요. 아브라함한테 아들 주겠다고. 근데 진짜로 너 엄청나게 늙으면 아들을 못 가져요. 근데 진짜로 가질 수 있을까? 답해줄? 20살 बीत गए। अभी भी अब्राहम ने परमेश्वर के वादे पर भरोसा किया। जब वो 100 साल का था और सारा 90 साल की थी, परमेश्वर ने उन्हें अपना वादा याद कराया। सारा एक बालक को जन्म देगी। 20 साल बीत गए। अभी भी अब्राहम ने 20 साल बीत गए। अभी भी अब्राहम ने परमेश्वर के वादे पर भरोसा किया। जब वह 100 साल के का था और सारा 90 साल की थी, परमेश्वर ने उन्हें अपना वादा याद कराया। सारा एक बालक की जन्म देगी। गजबी आइडिया 날라고 하네요. 아브라함이 100살이고 화가 90살 때 아기가 날라고 했어. जब उनका पुत्र पैदा हुआ, सारा इतनी प्रसन्न हुई कि वो प्रफुल्लित हुई। परमेश्वर ने मुझे प्रफुल्लित किया है, उसने कहा। इसलिए उन्होंने उसका नाम इसहाक रखा, जिसका अर्थ है वो हंसता है। जब उनका पुत्र
बुश पैदा हुआ। सारा इतने प्रसन्न हुई कि वह प्रफुल्लित हुई। परमेश्वर ने मुझे प्रफुल्लित किया है, उसने कहा, इसलिए उन्हें उसका नाम इसहाक रखा, जिसका अर्थ है वह हमसा है।애기가 태어났네요. 애기의 이름은 이삭이에요. 너무 별거 परमेश्वर ने अब्राहम से वादा किया कि उसके पुत्र और उसकी संतान के द्वारा सारा संसार आशीष पाएगा। सही या गलत? सही। ओ ये। टाइम पेज। जब इसहाक एक छोटा लड़का था, परमेश्वर ने अब्राहम को उसके पुत्र को मोरिय्याह पर्वत पर ले जाकर उसकी बलि देने को कहा। परमेश्वर इस तरह अब्राहम की परीक्षा ले रहा था। जब इसहाक एक देता लड़का था, परमेश्वर ने अब्राहम की उसके पुत्र की के मेरी यह पर ले जाकर उसकी बलि देने को कहा। परमेश्वर इस तरह अब्राहम की परीक्षा ले रहा था। हनुमानी इसाकी चुगी라고 했어요. 저 생각에는 왜 죽이라고 했냐면, 그래서 하나님이 왜 이삭을 죽이라고 하면, 아브라함한테 테스트라는 게 아닐까요? 테스트. 하나님이 얼마큼나 좋아하는지. 이삭을 안 죽이면 하나님보다 이삭이 좋아하는 거고, 이삭이 죽이면 하나님이 더 좋아하는 거. 근데 진짜 죽으면 너무 슬프다. 다음 페이지. 이삭 लकड़ी उठाकर चला और अब्राहम ने छुरी और मशाल ली। इकट्ठे वो पहाड़ पर चढ़ गए। बलिदान के लिए मेमना कहाँ पर है? इसहाक ने पूछा। परमेश्वर इसका प्रबंध करेगा। अब्राहम ने जवाब दिया। इसहाक लकड़ उठा कर चला और अब्राहम ने दूरी और मशाल ली। एक तूते वह पहाड़ पर चढ़ गए। बलिदान के लिए मेमना कहाँ पर है इसहाक ने पूछा। परमेश्वर इस
시어분 낸 거래가 아브라함 낸 자밥 디야. 봐봐요. 봐봐요. 그래서 이삭이 이렇게 말했어요. 아빠, 왜 준비할 양은 왜 안 가져왔다요? 하면서 이렇게 말했어요. 지금은 이제 엄청나게 할아버지만 아빠예요. 왜 그런지 알아요? 엄청나게 할아버지에도 그때 아브라함이 아기를 낳잖아요. 다음 페이지. 아브라함 네 वेदी पर लकड़ियां रखी, इसहाक को बांधा और उसको लकड़ियों पर रख दिया। जैसे ही उसने इसहाक को मारने के लिए छुरी उठाई, एक स्वर्गदूत ने उसको नाम लेकर आवाज लगाई, अब्राहम। अब्राहम ने वेदी पर लकड़ियां रखी, इसहाक की आगे बांगा और उसके लकड़ियां पर रख दिया। जैसे जैसे ही उसने इसहाक की आगे मारने के लिए दूरी उठाई, एक स्वर्गदूत ने उसके नाम लेकर आवाज लगाई, अब्राहम। कैसे अब्राहम ने죽이려고 할 때 이삭은 뭐 하는지 몰랐어요. 이삭은 이거 돌 위에 이렇게 깔아서 이렇게 누우라고 했어요. 이삭은 그냥 조용히 있었어요. 그래서 아브라함이 이삭이 죽이려고 할 때 하나님이 이렇게 왔어요. 어떤 소리가 들렸어요. 아브라함 이렇게. परमेश्वर ने अब्राहम को बलिदान के लिए क्या मारने को कहा? इबन इसहाक। लड़के को मत मार, स्वर्गदूत ने कहा। परमेश्वर जानता है कि तू उसके वादे पर भरोसा करता है। उधर झाड़ियों में देख, एक मेंढा अपने सींगों से झाड़ियों में फंसा हुआ है। इसके बदले उसे बलिदान कर। लड़के मत मार, स्वर्गदूत ने कहा। परमेश्वर जानता है कि तू उसके वादे पर भरोसा करता है। उधर चलिए, मैं देख एक मेला अपने सीके से चलिया यें यों में पस फंसा हुआ है। इसके बदले उसे बलिदान क
그래서 하나님이 딱 멈추라고 했어요. 그러면서 하나님이 이렇게 말씀하셨어요. 너가 얼마나 나를 좋아하는지 알게 되었다 라고 했어요. 그래서 여기 있는 수컷 양을 죽여서 제사로 하라고 했어요. 오, 맛있게 먹네. 다음 페이지. 아브라함이 그의 아들의 대신에 मेढ़े तरह अब्राहम ने उसके पुत्र की बजाय मेढ़े को बलिदान किया। उसने उस स्थान को यहोवा यिरे परमेश्वर प्रबंध करेगा रखा, क्योंकि परमेश्वर ने बलिदान का प्रबंध किया था, ठीक जैसा कि परमेश्वर ने कहा था, उसका वादा सच्चा हुआ। इस तरह अब्राहम ने उसके पुत्र की बजाए मेले की बलिदान किया। उसने उस स्थान के यहोवा यिरे परमेश्वर प्रबंध करेगा रखा। कयन की परमेश्वर ने बलिदान का प्रेम प्रबंध किया था, ठीक जैसा कि परमेश्वर ने कहा था, उसका वादा सच्चा हुआ। कृष्ण अब्राहम은 하나님을 엄청나게 진실한 분인 걸 알게 되었어요. 그 다음에 이삭한테도 이걸 알려주었어요. 근데 오늘은 성경 이야기를 이거 한데 어땠나요? 재밌었나요? 그러면 다음에 또 봐요. 빠이.